ओग्रा की एक बार फिर पेट्रोल महंगा करने की तैयारी, 1.25 रुपए इजाफे की समरी वजारत तवानाई को भेज दी, हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे, नई कीमतों का ऐलान आज रात मुतवक्के। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26% हो गई, हैदराबाद में शरह 11% से ज्यादा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तदा वहाब कहते हैं हुकूमत को पाबंदियां लगाने का शौक नहीं लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त फैसले लेना पड़ेंगे। मुर्तदा वहाब का कहना था कि ईद की छुट्टियों के फौरी बाद पाबंदियों में नरमी का फैसला दुरुस्त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, फैसला कालादम करार देने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ सन्नाफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है, 7 अरब के सासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ जाते तो बड़े भाई की तरह वापस लाना मुश्किल हो जाता, नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे सकते हैं।